20वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अभिदय तत्व का विचार वेद साधन भक्ति। दोपहर से पहले ही ब्रजनाथ और विजय कुमार घर पहुंच गए। ब्रजनाथ की माता पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई को स्वादिष्ट प्रसादन भोजन कराया। भोजन के पश्चात मामा और भांजे में परस्पर नाना प्रकार की प्रेम भरी बातें होने लगी। ब्रजनाथ ने जिन उपदेशों को बाबा जी महाराज से पहले श्रवण किया था, उन्हीं उपदेशों को क्रमशः अपने मातुल महोदय को बताने लगे। उन अमृतमय उपदेशों को सुनकर विजय कुमार बड़े आनंदित हुए और बोले, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। बड़े सौभाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। तुम्हें बाबा जी जैसे दुर्लभ और परम संत का संग प्राप्त है। उनसे तुमने परमार्थ तत्व के संबंध में बहुत कुछ श्रवण कर लिया है। भक्ति कथा और हरि कथाओं के श्रवण से कल्याण की प्राप्ति होती है, परंतु महत्पुरुषों के मुख से यदि ये कथाएं सुनी जाएं, तो कल्याण बहुत ही शीघ्र होता है। बाबा, तुम समस्त शास्त्रों में सुपंडित हो, खासकर न्याय शास्त्र के अद्वितीय पंडित हो, वैदिक ब्राह्मणों में कुलीन हो, निर्धन भी नहीं हो। ये सारी संपत्तियां इस समय तुम्हारे लिए अलंकार स्वरूप हो रही हैं। इसका कारण यह है कि तुम साधु वैष्णवों का पदाश्रय प्राप्त कर श्री कृष्ण की लीला कथाओं में रुचि ले रहे हो। इसी प्रकार परमात संबंधी चर्चाएं चल ही रही थीं कि बीच में ही ब्रजनाथ की माता वहां उपस्थित हुई और विजय कुमार से बोली, भाई, तुम बहुत दिनों में आए हो, ब्रज को जरा समझा बुझा कर ग्रस्त कर दो। इसके व्यवहारों से मुझे डर लगता है कि यह कहीं साधु ना हो जाए। विवाह के लिए अनेक लोग आते हैं, परंतु इसने तो विवाह ना करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मेरी सासू जी ने भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु कुछ ना कर सकी। बहन की बात को सुनकर विजय कुमार ने कहा, मैं यहाँ 10-15 दिन तक ठहरूंगा। मैं क्रमशः इस विषय में परामर्श कर तुम्हें पीछे बतलाऊंगा। अभी घर के भीतर जाओ। ब्रजनाथ की माँ अंदर चली गईं। वे दोनों पुनः पारमार्थिक चर्चा में लग गए। वह सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भोजन करने के पश्चात विजय कुमार बोले, ब्रजनाथ, आज शाम को हम दोनों श्रीवास आंगन चलेंगे और वहाँ बाबा जी से श्री रूप गोस्वामी द्वारा उल्लिखित 64 प्रकार के भक्ति के अंगों का विस्तृत विवेचन श्रवण करेंगे। ब्रजनाथ, तुम्हारे जैसा सत्संग मुझे जन्म जन्मांतर में प्राप्त हो। देखो, बाबा जी महाशय ने साधन भक्ति के दो मार्ग बतलाए हैं, एक वैद मार्ग और दूसरा राग मार्ग। हम लोग वास्तव में वैद धर्म के अधिकारी हैं, अतः हमें राग मार्ग के संबंध में उपदेश श्रवण करने के पहले वैद मार्ग को भली भांति समझकर साधन कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। गतकाल बाबा जी महाराज ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया था, परंतु मैं समझ नहीं पाता कि नवदा भक्ति का प्रारंभ कैसे करूं। आज इस विषय में अच्छी तरह समझ लेना होगा। इस प्रकार बातों ही बातों में शाम हो गई। सूरज की किरणें पृथ्वी से उठकर वृक्षों की ऊंची ऊंची टहनियों से खेलने लगी। विजय कुमार और ब्रजनाथ घर से प्रस्थान कर श्रीवास आंगन में उपस्थित हुए और वैष्णव मंडली को दंडवत प्रणाम कर वृद्ध बाबा जी की कुटी में प्रविष्ट हुए। बाबा जी जिज्ञासु भक्तों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़े प्रेम से छाती से लगाकर आसन पर बिठाया। वे दोनों भी बाबा जी को दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। दो एक बातों के उपरांत विजय कुमार बोले, प्रभो, हम लोग आपको बहुत ही कष्ट देते हैं। आप भक्त वत्सल हैं, अतः कृपा कर इस कष्ट को स्वीकार करते हैं। आज हम लोग आपसे श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखे गए भक्ति के
64 प्रकार के अंगों के संबंध में जानना चाहते हैं। यदि हमें इसका अधिकारी समझें तो कृपा कर बतलावें, जिससे हम लोग शुद्ध भक्ति का सहज ही अनुभव कर सकें। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सावधानी से श्रवण करना। मैं रूप गोस्वामी द्वारा बतलाए गए भक्ति के 64 प्रकार के अंगों को बतला रहा हूँ। 64 अंगों में प्रथम 10 प्रारंभिक अंग हैं। ये 10 हैं गुरु पदाश्रय, गुरु के निकट कृष्ण दीक्षा और शिक्षा, विश्वासपूर्वक गुरु सेवा, साधु मार्ग का अनुसरण, सद्धर्म की जिज्ञासा, कृष्ण के उद्देश्य से भोग विलास का त्याग, द्वारका आदि धामों में तथा गंगा यमुना के निकट वास, जीवन निर्वाह उपयोगी यथा योग्य अर्थ या विषय स्वीकार, एकादशी जन्माष्टमी आदि हरिवासर का सम्मान, और 10वां आंवला पीपल आदि वृक्षों को गौरव दान। इनके आगे वाले 10 अंग निषेध के रूप में पालनीय हैं। 11 कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों का संग त्याग, 12 अनाधिकारी को शिष्य न करना, 13 आडंबरपूर्ण उद्यमों अर्थात महोत्सवादि का परित्याग, 14 अनेक ग्रंथों का पठन पाठन और व्याख्यावाद का परित्याग, 15 व्यवहार में कृपणता का परित्याग, 16 शोक आदि के अधीन न होना, 17 अन्य अन्य देवताओं की अवज्ञा न करना, 18 प्राणी मात को उद्वेग न देना, 19 सेवा अपराध और नाम अपराध से सर्वदा दूर रहना, 20 भगवान और भक्तों की निंदा आदि सुनकर उसे सहन न करना। इन 20 प्रकार के अंगों को भक्ति मंदिर का प्रवेश द्वार स्वरूप समझो। इनमें गुरु पदाश्रय आदि प्रथम 3 प्रधान कार्य हैं। 21 वैष्णव चिन्ह धारण, 22 हरिनाम अक्षर धारण, 23 निर्माल्य भगवान की दी हुई माला आदि धारण, 24 भगवान के सम्मुख नृत्य, 25 श्री गुरु वैष्णव और भगवान को दंडवत प्रणाम, 26 उन्हें दर्शन कर आसन से उठाकर अभिवादन, 27 श्री मूर्ति की अनुव्रज्या अर्थात अनुगमन करना, 28 भगवान के मंदिरों में जाना, 29 मंदिर परिक्रमा, 30 अर्चन, 31 परिचर्या यानी सेवा, 32 गान, 33 भगवत कृपा की प्रतीक्षा, 34 त्रिसंध्याओं में आचमन पूर्वक जप, 35 विज्ञप्ति अर्थात दीनता पूर्वक प्रार्थना, 36 स्तव, 37 भगवत प्रसाद का आस्वादन, 38 श्री चरणामृत पान करना, 39 धूप माल्य आदि का सौरभ ग्रहण, 40 श्री मूर्ति का स्पर्श, 41 श्री मूर्ति का दर्शन, 42 आरती और उत्सव दर्शन, 43 श्री हरि के नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रवण, 44 संकीर्तन, 45 स्मरण, 46 ध्यान, 47 दास्य, 48 सख्य, 49 आत्मसमर्पण, 50 कृष्ण को प्रिय वस्तु समर्पण, 51 श्री कृष्ण के सुख के लिए निरंतर चेष्टा, 52 भगवान के चरणों में शरणागति, 53 तुलसी सेवा, 54 श्रीमद् भागवत आदि भक्ति ग्रंथों को सम्मान देना, 55 भगवान के आविर्भाव स्थान मथुरा आदि का महात्म्य श्रवण और कीर्तन करना तथा उन धामों की परिक्रमा आदि करना, 56 वैष्णवों की सेवा, 57 शक्ति के अनुसार प्राप्त सामग्रियों से साधुओं की गोष्ठी में महोत्सव, 58 चातुर्मास्य व्रत और विशेष रूप से कार्तिक मास में नियम सेवा का पालन, 59 भगवान के जन्म के दिन उत्सव, 60 श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति की पूजा, 61 रसिक भक्तों के साथ श्रीमद् भागवत का अर्थ आस्वादन करना, 62 स्वजातीय स्निग्ध अथवा अपने से श्रेष्ठ साधु संतों का संग, 63 श्रीनाम संकीर्तन, 64 मथुरा आदि भगवत धामों में वास। अंतिम 5 अंगों का वर्णन यद्यपि पिछले अंगों के साथ किया गया है, तथापि ये 5 अंग अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इनका नाम पंचांग भक्ति भी है। इन सब अंगों का शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा
पालन कर कृष्ण उपासना की जाती है। 21 से 49 तक के अंग कृष्ण दीक्षा आदि द्वितीय अंग के अंतर्गत हैं। विजय प्रभो, श्री गुरु पदाश्रय के संबंध में हमें कुछ विस्तार पूर्वक शिक्षा दें। बाबा जी, शिष्य अनन्य कृष्ण भक्ति का अधिकारी होकर उपयुक्त गुरु के निकट कृष्ण तत्व जानने के लिए श्री गुरु का पदाश्रय करें। श्रद्धालु होने पर ही जीव कृष्ण भक्ति का अधिकारी होता है। पिछले जन्मों की सुकृतियों के प्रभाव से संतों के मुख से हरि कथा श्रवण कर हरि के विषय में जो दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है, उसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा के साथ साथ थोड़ी शरणापत्ति भी उदित होती है। श्रद्धा और शरणापत्ति प्रायः एक ही तत्व हैं। संसार में कृष्ण भक्ति ही सर्वोन्नत है। कृष्ण भक्ति के जो अनुकूल होगा उसे अपना कर्तव्य मानकर करूंगा। श्री कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल व्यापार का वर्जन करूंगा। कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षा करता है। मैं कृष्ण को अपने एकमात्र पालनकर्ता के रूप में वरण करता हूँ। मैं अत्यंत दीन और अकंचन हूँ और मेरी स्वतंत्र इच्छा अच्छी नहीं है। कृष्ण की इच्छा का अनुगमन ही सब प्रकार से कल्याणप्रद है। ऐसा दृढ़ विश्वास जिसे हो गया है वे ही अनन्य भक्ति के अधिकारी हैं। ये अधिकार प्राप्त होते ही जीव भक्ति की शिक्षा के लिए व्याकुल होकर जहाँ सद्गुरु पाता है उनका पदाश्रय ग्रहण करता है, अर्थात उनका शिष्य होकर भक्ति की शिक्षा ग्रहण करता है। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव विगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम् ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडक उपनिषद 1:2-12। अर्थात उस भगवत वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में संविधा लेकर वेद को भलीभांति जानने वाले और भगवत सेवा परायण ब्रह्मज्ञ सद्गुरु के पास काय मनोवाक्य सब प्रकार से विनय पूर्वक गमन करें। आचार्यवान पुरुषो वेदः, छांदोग्य उपनिषद 6:14-2। जिसने आचारवान सद्गुरु का आश्रय लिया है उसने उस परब्रह्म को जान लिया है। श्री हरि भक्ति विलास 1:23-64 में सद्गुरु और सत्शिष्य का लक्षण विस्तार पूर्वक दिया गया है। सारार्थ यह है कि शुद्ध चरित्र से युक्त श्रद्धावान पुरुष ही शिष्य होने के योग्य हैं तथा शुद्ध भक्ति से संपन्न भक्ति तत्वविद चरित्रवान सरल निर्लोभ मायावाद शून्य और कार्य दक्ष पुरुष ही सद्गुरु हैं। इस प्रकार के गुणों से युक्त सर्व समाज मान्य ब्राह्मण होने पर अन्य अन्य वर्णों के लोगों के गुरु हो सकते हैं। ब्राह्मण के अभाव में शिष्य अपने से उन्नत वर्ण के व्यक्ति को गुरु कर सकता है। इन विचारों का मूल तात्पर्य यह है कि वर्णाश्रम का विचार छोड़कर जहां कहीं भी कृष्ण तत्वविद व्यक्ति मिले उन्हें गुरु बनाया जा सकता है। यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न किसी व्यक्ति में उपयुक्त गुण पाए जाएं और उन्हें गुरु बनाया जाए तो आर्य वंश में जन्मे हुए वर्णाभिमानी संसार में कुछ सुविधा होती है। वस्तुतः उपयुक्त भक्त ही गुरु है। शास्त्र में गुरु शिष्य परीक्षा के नियम और काल निर्णय किए गए हैं। उसका तात्पर्य यह है कि जिस समय गुरु शिष्य को अधिकारी समझे और शिष्य जब गुरु को शुद्ध भक्त समझकर उनके प्रति श्रद्धा करे उसी समय गुरु शिष्य के प्रति कृपा करें। गुरु दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु के निकट दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, साथ ही साथ अर्चन के संबंध में शिक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा गुरु एक होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु के रूप में शिक्षा देने में समर्थ हैं। विजय कुमार, दीक्षा गुरु अपरित्यज्य हैं, अर्थात गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसी दशा में यदि गुरुदेव सच शिक्षा देने में समर्थ न हो तो वे कैसे शिक्षा देंगे? बाबा जी, गुरु वरण करने के समय गुरु को शब्दोक्त तत्व अर्थात वेद में कथित तत्व में और पर तत्व में परांगत देखने के लिए परीक्षा ली जाती है। वैसे गुरु सब प्रकार के तत्व उपदेश करने में अवश्य ही समर्थ होंगे। दीक्षा गुरु को त्याग करने की विधि नहीं है, परंतु दो परिस्थितियों में उनका त्याग किया जा सकता है।
पहली परिस्थिति यह है कि गुरु वरण के समय यदि शिष्य ने गुरु की तत्वज्ञता और वैष्णवता आदि गुण की परीक्षा किए बिना ही उन्हें गुरु बना लिया हो, परंतु वास्तव में उस गुरु द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ हो, अर्थात उनसे किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ न प्राप्त हो, तो वैसे गुरु का परित्याग करना चाहिए। इसके बहुत से शास्त्र प्रमाण हैं। यो व्यक्ति न्याय रहितम अन्यायेन श्रुणोति यः, ताव उभो नरकम घोरम व्रजता कालम अक्षयम्। नारद पंचरात्र हरि भक्ति विलास 1:62। अर्थात जो आचार्य के वेश में अन्याय अर्थात सात्वत शास्त्र विरोधी शिक्षा प्रदान करते हैं और जो शिष्य रूप में अन्याय रूप में उसे श्रवण करते हैं, वे दोनों ही अनंत काल के लिए घोर नरक में पड़ते हैं। गुरोर अप्य विलप्तस्य कार्य कार्यम अजानतः उत्पत प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। महाभारत उद्योग पर्व 179:25 और नारद पंचरात्र 1:10-20। अर्थात शिष्य को क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, इसे जो गुरु नहीं जानते हैं एवं कुसंग के प्रभाव से अथवा वैष्णव विरोध के फलस्वरूप उन मार्गगामी पाए जाने पर वैसे गुरु का त्याग करना ही कर्तव्य है। अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरियम व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्रहयेद वैष्णवाद गुरुः। हरि भक्ति विलास 4:144। अर्थात स्त्री संगी और कृष्ण भक्ति रहित अवैष्णव गुरु से मंत्र ग्रहण करने से नरक होता है, अतएव शास्त्रीय विधियों से पुनः वैष्णव गुरु के निकट मंत्र ग्रहण करना चाहिए। दूसरी परिस्थिति यह है कि गुरु वरण करने के समय गुरुदेव वैष्णव और तत्वज्ञ थे, परंतु असत संग के प्रभाव से बाद में मायावादी या वैष्णव विद्वेषी हो गए। ऐसी दशा में वैसे गुरु का त्याग करना ही कर्तव्य है। यदि वरण किए गए गुरुदेव मायावादी या वैष्णव द्वेषी अथवा पाप आसक्त न हो तो अल्पज्ञता के लिए उनका त्याग करना उचित नहीं। ऐसी अवस्था में उन्हें गुरु का सम्मान प्रदान करते हुए उनसे आज्ञा लेकर किसी दूसरे तत्वज्ञ और वैष्णव पुरुष की सेवा करते हुए उनसे तत्व की शिक्षा ग्रहण करें। विजय दूसरा प्रश्न, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षा के संबंध में बतलाइए। बाबा जी, श्री गुरु के निकट भगवत अर्चन और विशुद्ध भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए सरल भाव से कृष्ण सेवा और कृष्ण अनुशीलन करना चाहिए। अर्चन के अंगों का विवेचन बाद में किया जाएगा। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान के संबंध में श्री गुरुदेव से शिक्षा लेने की नितांत आवश्यकता है। विजय तीसरा प्रश्न, विश्वास पूर्वक गुरु सेवा कैसे होती है? बाबा जी, श्री गुरुदेव को मननशील अर्थात साधारण जीव नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें सर्वदेवमय मानना चाहिए। उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उन्हें सर्वदा वैकुंठ तत्व समझना चाहिए। विजय चौथा प्रश्न, साधु मार्ग का अनुसरण किसे कहते हैं? बाबा जी, जिस किसी उपाय से कृष्ण के चरणों में मन लगाया जाए उसे साधन भक्ति तो कहा जा सकता है, परंतु पूर्व महाजन जिस मार्ग का अनुसरण कर गए हैं उसी मार्ग का अनुसरण करना कर्तव्य है। उसका कारण यह है कि वह मार्ग सर्वदा दुख रहित, श्रम रहित और समस्त कल्याण का हेतु होता है। सा मृग्यः श्रेयसाम हेतुः पंथा संतापवर्जितः अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन संतः प्रतस्थिरे। स्कंद पुराण। अर्थात पूर्व महाजनों ने जिस मार्ग को अत्यंत सुलभ अर्थात श्रम रहित जानकर ग्रहण किया है वही पथ कल्याण प्राप्ति के लिए संताप रहित है, अतएव वही पथ एकमात्र ग्रहण करने योग्य है। कोई भी पंथ किसी एक व्यक्ति द्वारा सुंदर रूप से निरूपित नहीं होता। पूर्व महाजनों ने एक के बाद दूसरे ने क्रमशः
उस भक्ति योग पथ को साफ सुथरा किया है। उस पथ की छोटी मोटी समस्त विघ्न बाधनाओं को दूर कर उसे सहज और निर्भय बनाया है। इसलिए उसी मार्ग का अवलंबन करना ही कर्तव्य है। श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र, इन शास्त्रों की विधियों का उल्लंघन कर यदि श्रीहरि की एकांतिकी अर्थात अनन्य भक्ति भी की जाए तो उस भक्ति से कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, बल्कि उसे उत्पात का हेतु ही समझना चाहिए। श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात येव कल्पते। ब्रह्म यमल भक्ति रसामृत सिंधु। विजय, हरि के प्रति अनन्य भक्ति उत्पात का कारण कैसे हो सकती है, कृपया स्पष्ट कर बतलाइए। बाबा जी, शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव पूर्व महाजन पथ का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। पूर्व महाजन पथ को छोड़कर किसी दूसरे पथ की सृष्टि करने से एकांतिक भाव प्राप्त नहीं होता। इसलिए शुद्ध भक्ति को समझ ना सकने के कारण उसके कुछ कुछ भावाभास को ग्रहण कर दत्तात्रेय, बुद्ध आदि अर्वाचीन प्रचारों में से किसी ने मायावाद मिश्र, किसी ने नास्तिकता मिश्र एक एक शूद्र पंथ प्रदर्शन कर उसी में एकांतिक की हरिभक्ति का आरोप किया। परंतु वास्तव में उन लोगों के द्वारा प्रवर्तित पथ हरिभक्ति नहीं है, उत्पात विशेष है। राग मार्गीय भजन में श्रुति, स्मृति, पुराण, पंचरात्र आदि विधियों की अपेक्षा नहीं रहती। वहां तो केवल व्रतजन अनुगमन की अपेक्षा रहती है। परंतु विधि मार्ग के अधिकारी साधकों को ध्रुव, प्रहलाद, नारद, व्यास और शुक आदि महाजनों द्वारा निर्दिष्ट एकमात्र भक्ति पथ का अवलंबन करना आवश्यक है। अतएव वैद्य भक्तों के लिए साधु मार्ग अनुसरण के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। विजय, पांचवा प्रश्न, सद्धर्म की जिज्ञासा कैसे होती है? बाबा जी, सद्धर्म का अर्थ सच्चा धर्म अथवा सच्चे साधुओं का धर्म है। सद्धर्म समझने के लिए अत्यंत आग्रह पूर्वक जिज्ञासा करने को ही सद्धर्म की जिज्ञासा कहते हैं। विजय, छठवां प्रश्न, कृष्ण के उद्देश्य से भोग आदि का त्याग किसे कहते हैं? बाबा जी, आहार विहार आदि द्वारा सुख भोगने का नाम भोग है। यह भोग प्रायः भजन विरोधी होता है। कृष्ण भजन के उद्देश्य से ऐसे ऐसे भोगों का परित्याग करने से भजन सुलभ होता है। मद्यपान करने वाले व्यक्ति की तरह भोग में आसक्त व्यक्ति भोगों को भोगने में इस प्रकार लिप्त रहता है कि वह शुद्ध भजन नहीं कर सकता। अतएव केवल भगवत प्रसाद का ही सेवन करना चाहिए। सेवा के उपयोगी शरीर की रक्षा करना भी कर्तव्य है। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, फाल्गुनी पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी आदि के दिन समस्त प्रकार के भोगों का त्याग करना चाहिए। विजय, सातवां प्रश्न, द्वारिका आदि धामों में तथा गंगा के निकट वास का तात्पर्य क्या है? बाबा जी, जिन जिन स्थानों में भगवान की जन्म आदि लीलाएं हुई हैं उन स्थानों और गंगा यमुना आदि पुण्य सलिला नदियों के निकट वास करने से भक्ति निष्ठा उत्पन्न होती है। विजय, श्रीनवद्वीप में वास करने से जो पवित्रता होती है वह गंगा के कारण होती है या कोई दूसरा कारण भी है? बाबा जी, आह, श्रीनवद्वीप के 16 कोस के भीतर जहां भी वास क्यों ना किया जाए उससे वृंदावन में ही वास होता है। विशेषकर मायापुर में यदि वास किया जाए, अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, इन 7 मोक्षदायिका पुरियों में यह श्री मायापुर अतिशय प्रधान तीर्थ है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु ने अपने नित्य धाम श्वेत द्वीप को अवतीर्ण कराया है। श्रीमन महाप्रभु के 4 शताब्दी बाद यह श्वेत द्वीप पृथ्वी के समस्त तीर्थ स्थलों की अपेक्षा प्रधान तीर्थ स्थान होगा। यहाँ वास करने से समस्त प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं तथा श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने इस धाम को वृंदावन से अभिन्न मानकर भी किसी विषय में इसका महात्म्य अधिक दिखलाया है। विजय, जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ
या विषय स्वीकार का तात्पर्य क्या है? बाबा जी, नारदीय पुराण में कहा गया है, यावता स्यात् स्वनिर्वह स्वीकुर्यात् तावत् अर्थवित् आधिक्ये न्यूनतायाम् च चव्यते परमार्थतः। अर्थात जिस मात्रा में विषयों को स्वीकार करने से आपकी भक्ति का निर्वाह हो, धनवान पुरुष उसी मात्रा में धनादि ग्रहण करेंगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक या अल्प ग्रहण करने से परमार्थ से भ्रष्ट होना पड़ता है। वैदिक भक्ति के अधिकारी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित सद उपायों के द्वारा अर्थ उपार्जन कर जीवन निर्वाह करें। आवश्यकता के अनुसार अर्थ स्वीकार करने से कल्याण होता है। आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने की लालसा से आसक्ति होती है, जो भजन को क्रमशः नष्ट कर देती है। आवश्यकता से कम स्वीकार करना भी अहितकर ही होता है, क्योंकि ऐसा होने से अभाव उपस्थित होकर भजन को क्षीण कर देता है। इसलिए जब तक निरपेक्ष होने का अधिकार प्राप्त न हो जाए, तब तक जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ आदि स्वीकार करते हुए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। विजय, 8वां प्रश्न, हरिवासर का सम्मान कैसा होता है? बाबा जी, शुद्धा एकादशी का नाम हरिवासर है। विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए। महाद्वादशी उपस्थित होने पर एकादशी छोड़कर द्वादशी का पालन करना चाहिए। पूर्व दिन ब्रह्मचर्य, हरिवासर के दिन निरंबु उपवास और रात्रि जागरण के साथ निरंतर भजन और उपवास के दूसरे दिन ब्रह्मचर्य और उपयुक्त समय पर पारण करना, यही हरिवासर का सम्मान करना है। महाप्रसाद का त्याग किए बिना निरंबु अर्थात बिना जल पिए उपवास नहीं होता। सामर्थ्यहीन अथवा शक्तिहीन की अवस्था में प्रतिनिधि या अनुकल्प की व्यवस्था है। नक्तम हविष्यान्नम, हरि भक्ति विलास 12:49, धृत वायु पुराण, वचनों के द्वारा अनुकल्प की विधि है। विजय, 10वां प्रश्न, आंवला पीपल आदि वृक्षों को गौरव प्रदान करना कैसा होता है? बाबा जी, आंवला पीपल तुलसी गौ ब्राह्मण एवं वैष्णव, इनकी पूजा करने से, इनका ध्यान करने से तथा इन्हें नमस्कार करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। अश्वत्थ तुलसी धात्री गौ भूमि सुर वैष्णवः पूजिता प्रणता ध्यातः शप्यन्ति नृणाम घम, स्कंद पुराण। वैदिक भक्ति का अधिकारी इस संसार में रहकर जीवन यात्रा निर्वाह के लिए उपयोगी पीपल आदि छायादार वृक्ष, आंवला आदि फलयुक्त वृक्ष, तुलसी आदि भजनीय वृक्ष, गाय आदि उपकारी पशु, ब्राह्मण अर्थात धर्म शिक्षक और समाज रक्षक एवं भक्त वैष्णव, इन सब का पूजन और ध्यान करने के लिए तथा इन्हें प्रणाम करने के लिए बाध्य है। इन कार्यों के द्वारा वे संसार की रक्षा करें। विजय, 11वां प्रश्न, कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों के संग त्याग के विषय में विस्तार पूर्वक बतलाइए। बाबा जी, भाव उदित होने पर भक्ति गाढ़ी होती है। जब तक भाव का उदय ना हो, तब तक भक्ति विरोधी संग का परित्याग करना आवश्यक है। संग शब्द से आसक्ति का बोध होता है, अतः दूसरे लोगों के साथ जो निकटता होती है अथवा बातचीत होती है, उसे संग नहीं कहते हैं। संग तो तब होता है जब उस निकटता अथवा बातचीत में आसक्ति होती है। भगवत विमुख लोगों का संग नितांत वर्जनीय है। भाव के उदय हो जाने पर बहिर्मुख संग के प्रति कभी स्पृहा नहीं होती। वैदिक भक्ति के अधिकारियों को ऐसे संग से सर्वदा दूर रहना चाहिए। पेड़ पौधे जिस प्रकार दूषित वायु से तथा अधिक गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण विमुक्ता से भक्ति लता भी सूख जाती है। विजय, कृष्ण विमुख कौन है? बाबा जी, कृष्ण भक्ति रहित विषयी अर्थात भोगों में आसक्त, स्त्री संगी अर्थात स्त्री में आसक्त,
मायावाद और नास्तिकता दोषों से कलुषित हृदय वाले एवं कर्म जड़, ये चार प्रकार के लोग कृष्ण विमुख हैं। इन चार प्रकार के लोगों का संग दूर से त्याग करना चाहिए। विजय, 12वां प्रश्न। अनधिकारी को शिष्य ना करने के विषय में जानने योग्य विशेष बातें क्या हैं? बाबा जी, धन के लोभ से बहुत शिष्य करना एक प्रधान दोष है। अनेक शिष्य बनाने के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी शिष्य करना पड़ता है जिनके हृदय में श्रद्धा का भी अभाव होता है। अश्रद्धालु को शिष्य करने से अपराध होता है। श्रद्धालु पुरुषों के अतिरिक्त दूसरे शिष्य होने योग्य नहीं हैं। विजय, 13वां प्रश्न। आडंबरपूर्ण उद्यमों अर्थात महोत्सव आदि का परित्याग का क्या तात्पर्य है? बाबा जी, संक्षेप में जीवन निर्वाह करते हुए भगवत भजन करना चाहिए। विराट व्यापार आरंभ करने से उनके प्रति ऐसी आसक्ति होती है कि भजन में मन नहीं लगता। विजय, 14वां प्रश्न। नाना प्रकार के ग्रंथों का पठन पाठन और व्याख्यावाद परित्याग का तात्पर्य क्या है? बाबा जी, शास्त्र समुद्र के समान है। जिस विषय की शिक्षा लेनी है उस विषय के ग्रंथों का आद्योपांत विवेचन पूर्वक अध्ययन करना अच्छा है। अनेक ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। विशेषतः भक्ति शास्त्रों का यदि मन लगाकर सावधानी से अध्ययन न किया जाए तो संबंध तत्व संबंधी बुद्धि का उदय नहीं होता। ध्यान रहे कि ग्रंथों का सरल अर्थ ही लिया जाए, अर्थवाद करने से विपरीत सिद्धांत हो पड़ते हैं। विजय, 15वां प्रश्न। व्यवहार में कृपणता का परित्याग किसे कहते हैं? बाबा जी, जीवन यात्रा निर्वाह के लिए भोजन और आच्छादन के उपयोगी द्रव्यों का संग्रह आवश्यक है। द्रव्यों के ना होने पर कष्ट होता है और मिलने पर भी नष्ट होने पर कष्ट होता है। इस प्रकार दुखों के उपस्थित होने पर भक्तजन घबराए नहीं, बल्कि मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहें। विजय, 16वां प्रश्न। शोक आदि से कैसे बचा जाए? बाबा जी, शोक, भय, क्रोध, लोभ और मत्सरता से भरपूर चित्त में श्री कृष्ण का स्फुरण नहीं होता। बंधु बांधवों के विच्छेद से तथा कामनाओं में बाधा पड़ने के कारण शोक मोह आदि हो सकते हैं, परंतु उन शोक मोह आदि के अधीन होकर पड़े रहना उचित नहीं। पुत्र वियोग होने पर अवश्य ही शोक होगा, परंतु हरि चिंतन द्वारा उस शोक को दूर करना आवश्यक है। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में चित्त को स्थिर रखने का अभ्यास करना उचित है। विजय, 17वां प्रश्न। अन्य अन्य देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्या इससे यह समझा जाए कि उन उन दूसरे देवताओं की पूजा करनी चाहिए? बाबा जी, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति होने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण समस्त देवताओं के मूल देवता हैं। यद्यपि किसी भी देवता को श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझकर पूजन नहीं करना चाहिए, तथापि दूसरे लोगों को देवताओं की पूजा करते देखकर ना तो उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए और ना ही उनकी अवज्ञा। समस्त देवताओं को श्री कृष्ण का सेवक समझकर उन्हें सम्मान देते हुए एकमात्र कृष्ण का ही निरंतर स्मरण करना चाहिए। जीव का अंतःकरण जब तक निर्गुण नहीं हो जाता तब तक वहां अनन्य भक्ति उदित नहीं होती। जिनका चित्त अर्थात अंतःकरण सत, रज और तम त्रिगुण से आच्छादित है, वे अपने अपने में प्रबल रहने वाले गुणों के अनुसार उन उन गुणों वाले देवताओं की पूजा किया करते हैं। उनके अधिकार के अनुसार ही उनकी वैसी निष्ठा होती है। इसलिए उन लोगों के उपास्य देवताओं के संबंध में किसी प्रकार से अनादर का भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। उन देवताओं की कृपा से क्रम उन्नति होते होते उन उपासकों का चित कभी निर्गुण हो जाएगा। विजय, 18वां प्रश्न। प्राणी मात्र को उद्वेग नहीं देना चाहिए, किस संबंध में बतलाइए? बाबा जी, जो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते हैं उन्हें
किसी प्रकार भी तन मन वचन से उद्वेग नहीं होते। उनके प्रति श्री कृष्ण शीघ्र ही संतुष्ट होते हैं। दया वैष्णवों का प्रधान धर्म है। विजय 19वां प्रश्न, सेवा अपराध और नाम अपराध का वर्जन कैसे हो? बाबा जी, अर्चन के संबंध में सेवा अपराध का और साधारणता भक्ति के संबंध में नाम अपराध का विशेष सावधानी से वर्जन करना चाहिए। सवारी पर चढ़कर या पादुका के साथ भगवान के मंदिर में प्रवेश आदि 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। साधु निंदा, गुरुदेव की अवज्ञा आदि 10 प्रकार के नाम अपराध हैं। इन दोनों प्रकार के अपराधों का अवश्य ही वर्जन करना चाहिए। विजय 20वां प्रश्न, भगवान और भक्ति की निंदा आदि सुनकर सहन ना करना, इस उपदेश के अनुसार क्या निंदा करने वाले से उसी समय झगड़ा करने की विधि भी है? बाबा जी, जो लोग श्री कृष्ण और वैष्णवों की निंदा करते हैं वे कृष्ण विमुख हैं। ऐसे लोगों का संग सब प्रकार से छोड़ देना चाहिए। विजय, इन पूर्वोक्त 20 अंगों के साथ दूसरे अंगों का क्या संबंध है? बाबा जी, इनके बाद वाले 44 अंग इन पूर्वोक्त 20 अंगों के ही अंतर्भूत हैं। विस्तार पूर्वक समझाने के लिए इन्हें अलग अलग अंगों के रूप में दिखलाया गया है। 21 वैष्णव चिन्ह धारण से लेकर 50 कृष्ण को प्रिय वस्तु समर्पण तक 30 अंग अर्चन मार्ग के अंतर्भूत हैं। 21 गले में त्रिकंठी तुलसी की माला और शरीर में द्वादश तिलक धारण करने का नाम वैष्णव चिन्ह धारण करना है। साधक वैष्णव चिन्हों को अवश्य धारण करें। 22 हरे कृष्ण आदि नाम अथवा पंच तत्वों के नाम आदि चंदन के द्वारा अपने श्रेष्ठ अंगों पर धारण करने का नाम हरि नाम अक्षर धारण है। त्वयोपभुक्त स्रग गंध वासो अलंकार चर्चितः उच्चिष्ट भोजिनो दासास्त्व मायाम जयेम ही। अर्थात, हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए आभूषणों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपके जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। भागवत के इस 11.6.46 श्लोक में निर्माल्य धारण की विधि दी गई है। 24 कृष्ण के आगे नृत्य, 25 दंडवत प्रणाम, 26 अभ्युत्थान अर्थात श्री विग्रह का आगमन होते देखकर उठकर खड़े होना, 27 अनुव्रज्या अर्थात श्री मूर्ति के पीछे पीछे चलना, 28 कृष्ण के मंदिर में जाना, 29 परिक्रमा अर्थात श्री मूर्ति को दाहिने रखकर 3 बार प्रदक्षिणा करना, 30 अर्चन अर्थात विभिन्न उपचारों द्वारा श्री मूर्ति की पूजा करना। कतिपय अंगों की पृथक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। 31 परिचर्या तु सेवोपकरण आदि परिकृष्या। परिचर्या तु सेवोपकरण आदि परिष्क्रिया तथा प्रकीर्णक चछत्र वादित्राद्यैर उपासना। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.140। अर्थात, राजा की तरह श्री कृष्ण की सेवा करने को परिचर्या कहते हैं। ये परिचर्या 2 प्रकार की होती है, जैसे उपकरणों को साफ सुथरा करना एवं चामर और वाद्य आदि द्वारा सेवा या उपासना। 32 गान, 33 संकीर्तन, 34 विज्ञप्ति अर्थात दैन्य सूचक वाणी प्रयोग, 36 स्तव पाठ, 37 नैवेद्य का आस्वादन, 38 चरणोदक का आस्वादन, 39 धूप और माला आदि का सौरभ ग्रहण करना, 40 श्री मूर्ति का स्पर्श, 41 श्री मूर्ति का दर्शन करना, 42 आरती उतारना, 43 श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला कथाओं का श्रवण, 44 सर्वत्र कृष्ण कृपा का अनुभव करना, 45 स्मरण अर्थात कृष्ण के नाम रूप गुण और उनकी लीला कथाओं का स्मरण, 46 ध्यान
ये कतिपय अंग बिल्कुल ही स्पष्ट है। 47 कर्मों का अर्पण और किंकर होना, ये दो प्रकार का दास्य है। 48 सख्य दो प्रकार का होता है, विश्वास और मित्तवृत्ति। 49 आत्मनिवेदन शब्द का अर्थ यह है कि आत्म शब्द से देही की अहंता और देहनिष्ठ ममता, इन दोनों को कृष्ण के प्रति अर्पण करना। विजय, देही की अहंता और देहनिष्ठ ममता, इन दोनों को और भी स्पष्ट करने की कृपा करें। बाबा जी, शरीर के भीतर जो जीव है वह देही और अहम कहलाता है। उसे अवलंबन कर जो मैं की बुद्धि होती है उसी को देहनिष्ठ अहंता कहते हैं। देह में जो मेरी की बुद्धि होती है उसे देहनिष्ठ ममता कहते हैं। इन मैं और मेरी दोनों को श्री कृष्ण के प्रति अर्पण करना चाहिए। मैं और मेरा इस बुद्धि को छोड़कर मैं कृष्ण का प्रसाद भोजन करने वाला कृष्ण का दास हूँ, और यह शरीर कृष्ण की सेवा को उपयोगी एक यंत्र है। इस बुद्धि से शरीर यात्रा का निर्वाह करना ही आत्मनिवेदन है। विजय, प्रिय वस्तुओं को कृष्ण के प्रति कैसे अर्पण करना चाहिए? बाबा जी, 50वें प्रश्न का उत्तर देते हुए, संसार में जो चीज अच्छी लगे उसे कृष्ण संबंधी करके ग्रहण करने को प्रिय वस्तुओं को कृष्ण के प्रति अर्पण करना है। विजय, 51वां प्रश्न, कृष्ण के उद्देश्य से अखिल चेष्टाएं कैसी हों? बाबा जी, लौकिकी और वैदिकी समस्त प्रकार की क्रियाओं को हरि सेवा के अनुकूल करने से श्री कृष्ण के उद्देश्य से अखिल चेष्टाओं का करना हो जाता है। विजय, 52वां प्रश्न, सब प्रकार से शरणापत्ति ग्रहण करना कैसा हो सकता है? बाबा जी, हे भगवान, मैं तुम्हारा हूँ, इस प्रकार मन और वाणी से कहना, और हे भगवान, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, ऐसी भावना को शरणापत्ति कहते हैं। विजय, 53वां प्रश्न, तुलसी की सेवा कैसे की जाए? बाबा जी, तुलसी की सेवा 9 प्रकार से होती है। तुलसी का दर्शन, तुलसी का स्पर्श, तुलसी का ध्यान, तुलसी का कीर्तन, तुलसी को प्रणाम, तुलसी का महात्म्य सुनना, तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी की सेवा और तुलसी का नित्य पूजन। विजय, 54वां प्रश्न, शास्त्र का सम्मान करना कैसे होता है? बाबा जी, भगवत भक्ति प्रतिपादक शास्त्र ही शास्त्र हैं। उनमें श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये सर्व वेदांत सार स्वरूप है। इनके रस रूप अमृत का आस्वादन करने वाले को किसी भी दूसरे शास्त्र के प्रति रुचि नहीं होती। विजय, 55वां प्रश्न, कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा का महात्म क्या है? बाबा जी, मथुरा के संबंध में श्रवण, कीर्तन और स्मरण, वहां जाने की इच्छा और दर्शन, स्पर्शन, वहां वास करना तथा उनकी सेवा, इन क्रियाओं से अभिलाषा पूर्ण होती है। श्री मायापुर के संबंध में भी इसी प्रकार जानो। विजय, 56वां प्रश्न, वैष्णव सेवा का तात्पर्य क्या है? बाबा जी, वैष्णव भगवान के अधिक प्रिय हैं। वैष्णव की सेवा करने से भगवान के प्रति भक्ति होती है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि समस्त देवताओं की आराधना से विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, और विष्णु की आराधना से भी उनके सेवक वैष्णवों की पूजा श्रेष्ठ है। विजय, 57वां प्रश्न, शक्ति के अनुसार महोत्सव का क्या तात्पर्य है? बाबा जी, भगवान के मंदिर आदि में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य आदि संग्रह कर भगवत सेवा पूर्वक शुद्ध वैष्णवों की सेवा को महोत्सव कहते हैं। इससे श्रेष्ठ उत्सव संसार में और कुछ भी नहीं है। विजय, 58वां प्रश्न, कार्तिक महीने का समादर क्या है? बाबा जी, कार्तिक मास का नाम ऊर्जा है। इस महीने में नियमित रूप से श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति के अंगों के पालन द्वारा श्री दामोदर की सेवा करने का
नाम ऊर्जादर अर्थात ऊर्जा का आदर करना है। विजय 59वां प्रश्न, जन्म के दिन यात्रा उत्सव पालन कैसे होता है? बाबा जी, भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी और फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन उत्सव करने का नाम श्री जन्म यात्रा है। शरणागत जनों को इनका अवश्य पालन करना चाहिए। विजय 60वां प्रश्न, श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति की परिचर्या कैसे होती है? बाबा जी, श्री मूर्ति की सेवा पूजा में प्रीति पूर्ण उत्साह का होना अत्यंत आवश्यक होता है। जो लोग परम उत्साह से श्री मूर्ति की सेवा पूजा करते हैं, कृष्ण उनको केवल मुक्ति रूप तुच्छ फल न देकर भक्ति रूप महाफल तक दान करते हैं। विजय 61वां प्रश्न, रसिक जनों के संग में भागवत का अर्थ किस प्रकार आस्वादन किया जा सकता है? बाबा जी, वेद रूप कल्प वृक्ष का सुमिष्ट रस श्रीमद् भागवत है। रस विमुख व्यक्तियों के संग में श्रीमद् भागवत का रसास्वादन नहीं होता, उल्टा अपराध होता है। जो श्री भागवत के रसज्ञ अर्थात शुद्ध भक्ति के अधिकारी हैं, कृष्ण के लीला रस के पिपासु हैं, उनके संग में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का रसास्वादन करना चाहिए। साधारण सभाओं में श्रीमद् भागवत का पाठ करने या श्रवण करने से शुद्ध भक्ति का लाभ नहीं होता। विजय 62वां प्रश्न, स्वजातीय आशय स्निग्ध भक्त जनों का संग किसे कहते हैं? बाबा जी, सत्संग के नाम पर अभक्त लोगों का संग करने से भक्ति की उन्नति नहीं होती। श्री कृष्ण की अप्राकृत लीला में सेवा प्राप्त करना ही भक्त जनों के लिए अभीष्ट होता है। ऐसी अभिलाषा जिनको है उन्हें भक्त कहा जा सकता है। वैसे भक्तों में अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करने से भक्ति की उन्नति होती है। ऐसा नहीं होने से भक्ति की उन्नति रुक जाती है और जिस श्रेणी के लोगों का संग किया जाता है उसी प्रकार का स्वभाव हो पड़ता है। हरि भक्ति सुधोदय 8:51 में संग के संबंध में इस प्रकार कहा गया है, यस्य यत् संगतिः पुंसो मणिवत् स्यात् सा तद्गुणः स्वाकुलार्धये ततो धीमान स्वायुथन्येव संश्रयेत। अर्थात जैसे मणि को जिस रंग की वस्तु के साथ रखा जाए उस वस्तु के समान ही मणि का रंग दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार जिस पुरुष का जैसा संग होता है उसी के अनुरूप उसका स्वभाव हो जाता है। अतएव शुद्ध संतों के संग से शुद्ध संत हुआ जाता है। साधु संग अर्थात सत्संग सब प्रकार से कल्याणप्रद होता है। शास्त्रों में जो निसंग होने का परामर्श दिया गया है उसका तात्पर्य साधु संग करने को कहा गया है। विजय 63वां प्रश्न, नाम संकीर्तन किसे कहते हैं? बाबा जी, नाम अप्राकृत चैतन्य रस है, उनमें जड़ भाव की तनिक भी गंध नहीं है। भक्त जीव की सेवा वृत्ति से भक्ति शोधित रसना आदि पर श्री नाम स्वयं स्फुरित लाभ करते हैं। नाम जड़ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, इस प्रकार निरंतर स्वयं और दूसरों के साथ मिलकर नाम संकीर्तन करना चाहिए। विजय 64वां प्रश्न, मथुरा अर्थात जन्मस्थान में वास करने के संबंध में आपकी कृपा से हम लोग कुछ समझ गए हैं, अब इनका सार बतलाने की कृपा करें। बाबा जी, अंतिम 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। अपराध से दूर रहकर इनसे थोड़ा सा भी संबंध स्थापन करने से इनके अत्यंत अद्भुत प्रभाव से भाव अवस्था का उदय होता है। विजय, इन साधनों के संबंध में यदि और भी कुछ जानने योग्य हो तो कृपया बतलावें। बाबा जी, भक्ति के इन अंगों के कुछ अवांतर फलों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। इन अवांतर फलों का वर्णन बहिर्मुख लोगों में भजन की रुचि पैदा करने के लिए है। इन समस्त अंगों का मुख्य फल कृष्ण रति को प्रकाशित करना है। भक्ति के जानकारों के समस्त कार्य भक्ति के अंग रूप में होने चाहिए, कर्मांग के रूप में नहीं। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा
कभी कभी किसी को भक्ति मंदिर में प्रवेश अधिकार की थोड़ी सी अनुकूलता प्राप्त होती है, तथापि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं हैं। इसका कारण यह है कि ये चित्त को कठोर बना देते हैं, परंतु भक्ति सुकुमार स्वभाव की होती है। भक्ति से जो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उपस्थित होते हैं, वे ही स्वीकृत हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के कारण नहीं हो सकते। ज्ञान और वैराग्य जो दे नहीं सकते, भक्ति द्वारा वे सहज ही पाया जाता है। साधन भक्ति हरि भजन में ऐसी रुचि उत्पन्न कराती है कि अत्यंत कठिन विषय राग अर्थात विषयों के प्रति रहने वाली आसक्ति भी दूर हो जाती है। साधन के लिए युक्त वैराग्य ही आवश्यक है। फल्गु वैराग्य अर्थात कपट वैराग्य से सर्वदा दूर रहना चाहिए। समस्त विषयों को कृष्ण से संबंध युक्त कर अनासक्त भाव से आवश्यकतानुसार अर्थात यथा योग्य उन विषयों को ग्रहण करने का नाम युक्त वैराग्य है। हरि संबंधी वस्तुओं को सांसारिक मानकर मुक्ति के लोभ से उनका परित्याग करने को फल्गु वैराग्य कहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान और फल्गु वैराग्य परित्याग करना ही उचित है। धन और शिष्य आदि के उद्देश्य से जो भक्ति प्रदर्शित होती है, वह शुद्ध भक्ति से बहुत दूर होती है। इसलिए वैसी दिखावटी भक्ति भक्ति का अंग नहीं है। विवेक आदि गुण भक्ति के अधिकारियों के गुण हैं, अतः वे भी भक्ति के अंग नहीं हैं। यम नियम शौचाचार आदि कृष्ण के प्रति उन्मुख व्यक्तियों में स्वयं उपस्थित होते हैं, इसलिए ये भी भक्ति के अंग नहीं हैं। अंतः शुद्धि बहिशुद्धि तप और शमादि गुण भी कृष्ण भक्तों को स्वयं आश्रय करते हैं, उनके लिए भक्त को प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भक्ति के जो अंग बतलाए गए हैं उनमें कई एक प्रधान अंग हैं। उन प्रधान अंगों में से किसी एक अंग के अथवा अनेक अंगों के साधन में निष्ठा होने से सिद्धि प्राप्त होती है। मैंने वैधी साधन भक्ति के संबंध में सारी बातें संक्षेप में बतला दी हैं। अब तुम लोग हृदय में भावना पूर्वक अच्छी तरह से समझ लेना और अपने भरपूर सामर्थ्य द्वारा उनका आचरण करना। ब्रजनाथ और विजय कुमार बाबा जी के उपदेशों को सुनकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बोले, प्रभु आप कृपा कर हमारा उद्धार करें। हम लोग अभिमान रूपी गड्ढे में बुरी तरह फंसे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, कृष्ण अवश्य ही तुम लोगों पर कृपा करेंगे। रात अधिक होने पर मामा और भागनीय घर लौटे। 20वां अध्याय समाप्त।